राजधानी लखनऊ के मानक नगर में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने दरोगा प्रमोद कुमार की पिस्टल लूट ली। जानकारी के अनुसार दरोगा ने एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगकर बाइक की पिछली सीट पर बैठकर जा रहे थे, तभी दरोगा के पीछे से आए सफेद अपाचे सवार बदमाशों ने कमर से पिस्टल निकाल ली और भागने लगा। दरोगा जब तक कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बदमाश बाइक पर फर्राटा भरते हुए फरार हो गए। जब दरोगा ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोगों ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों ने उन पर भी पिस्टल तान दी और पिस्टल लहराते हुए निकल गए। वहीं इस घटना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में भी जुट गए हैं। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस का दावा है कि दरोगा को शिकार बनाने वाले आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि भागते समय बदमाश का सेलफोन भी गिर गया था। पुलिस फोन को कब्जे में लेकर नंबरों और सीडीआर के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और वहाँ पे एक दूसरे से लिफ्ट लेकर के तो ड्यूटी जा रहा था वृंदावन तेलीबाग, और यहाँ जाम लगा हुआ था, अचानक आया पीछे से, इसकी बटन दबा के रिवाल्वर खींच के बाहर खड़ा हुआ, तो मैं चिल्लाया तो लोग बागों ने घेरा, लेकिन उनको उनके ऊपर रिवाल्वर तान दिया और उसी में वो भाग के भाग गया। वो बाइक से था, वो मोटरसाइकिल यहाँ से उठाया उसने, नंबर नहीं देख पाए, लेकिन लेके यहीं खड़ी थी, लेके भाग गया। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अंकुश पाल, जनमत न्यूज़।